दोस्तों आखिरकार आज रोमांचक मैच खेला गया और इस रोमांचक मैच में रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या ने तो तूफानी बल्लेबाजी की ही और साथ में सुरेश अय्यर का भी तूफान हम सभी को देखने के लिए मिला। और T20 मैच की पहली ही पारी में टीम ने 280 से ज्यादा रन ठोक डाले। आखिरकार कैसे हुआ ये चमत्कार, वो सब तो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सुरेश अय्यर में से आपके अनुसार कौन है एक खतरनाक बल्लेबाज? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि IPL 2022 के बाद अब ये भारत की पहली ही सीरीज होने जा रही है जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाएगी। तो वहीं दोस्तों इस मुकाबले में आखिरकार एक बार फिर से हम सभी को मैदान पर हमारे सबसे अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और साथ में सुरेश आज मैदान पर उतरे, जहां इन तीनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी कर हर किसी का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको ये तो पहले ही पता है कि रोहित शर्मा को साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए मौका नहीं मिला है, लेकिन वो अपनी फॉर्म को हासिल करने के लिए टीम के साथ प्रैक्टिस सेशंस में जमकर हिस्सा ले रहे हैं और ऐसा ही नजारा आज इन्होंने दिखाया भी। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि आज जब रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या मैदान पर ओपनिंग करने के लिए उतरे तो दोनों ही बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना आज मैदान पर शुरू कर दिया, जहां एक तरफ रोहित शर्मा अपने ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सभी का दिल जीत रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या भी उनकी बल्लेबाजी देखने के बाद कहीं पीछे रहने वाले हैं। और ऐसे में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आज के इस मुकाबले में तूफानी प्रदर्शन कर दिखाया। जी हां दोस्तों, देखते ही देखते इन बल्लेबाजों ने बस मात्र 10 ओवर के भीतर ही भीतर 150 रन की पारी खेल डाली। और दोस्तों ये यही नहीं रुके, यहां पर हार्दिक और रोहित का प्रदर्शन आगे भी जारी रहा, लेकिन यहां पर पहला झटका हार्दिक के रूप में टीम को लगा क्योंकि यहां पर हार्दिक पांड्या 86 रनों की तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए और अपनी इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 4 बड़े छक्के भी लगाए थे। तो वहीं दोस्तों हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद फिर मैदान पर उतरे सुरेश अय्यर, जहां सुरेश अय्यर और रोहित शर्मा के बीच में हम सभी को शानदार शतकीय साझेदारी होती हुई दिखाई दी। जी हां दोस्तों, इस दौरान रोहित शर्मा ने कुल मिलाकर 121 रनों की तूफानी पारी इस T20 मुकाबले में खेली। तो वहीं दूसरी तरफ सुरेश अय्यर का भी बल्ला खूब चला और सुरेश अय्यर ने भी आज अर्धशतक जमाया। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस अभ्यास मैच में रोहित शर्मा की टीम और हार्दिक पांड्या की टीम ने दमदार प्रदर्शन कर दिखाया और आज रोहित शर्मा की टीम ने मात्र 20 ओवर में देखते ही देखते 280 रन ठोक डाले। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर आज का ये बल्लेबाजी सेशन काफी ज्यादा रोमांचक रहा। बाकी आप सब यहां पर देख भी सकते हो कि आज के इस मुकाबले में किसने कितने रन बनाए, पूरा लाइव स्कोर कार्ड आप सभी की स्क्रीन के सामने दिखाया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अब आप सभी की क्या राय है इस रोमांचक मैच के बारे में जो कि आज खेला गया? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।